University of Madras in Defence and Strategic Studies. He completed the Naval Staff Course at the Naval War College in Newport, United States, and the Naval War College in Mumbai. Mr. Gormade holds a specialization in Navigation and Direction. He completed his Personal Management Master's degree from Symbiosis Institute of Business. As a Rear Admiral, Mr. Gormade writes. Assuming charge of flag officer, Maharashtra area from Rear Admiral M.S. Pawar, Mr. Gormade was commissioned into the Indian Navy on 1st of January 1984. He was the commanding officer of the guided missile frigate uh, Brahmaputra, the submarine rescue vessel Nirakshat, uh, and the mine sweeper Lepi and was also second in command of the Guided Missile Brigade, Ganga. Mr. Gurmude served as Principal Director of the Personal Board of Directors of Naval Plans at Naval Headquarters. He also served as Director of Military Affairs at the Ministry of External Affairs. He held two instructional appointments, one at the Navigation Directional School and the other at the National Defense. He has been practicing Raya Yoga for the last 11 years. Before I hand it over to Mr. Gormade let me ask you one question. Do you all agree that all of us are facing challenges, oblique problems in life? Yes or no? Okay. And to handle those challenges and the problems, he will help us in.

और शांति इज़ पीस सो आई एम पीसफुल जो आप ओम शांति बोलते हो तो खुद को बोल रहे हो आई एम पीसफुल और उससे दूसरों को भी पीसफुल देते हो तो मैं ये आज का जो टॉपिक है सिर्फ प्रैक्टिकल अप्लिकेशन है उसमें टीम बिल्डिंग इंट्रोड्यूस इसीलिए किया क्योंकि उसे कुछ अनुभव आपको दिखा बता सकता हूँ और ये अनुभव हैं जो प्रैक्टिकली मेरे करियर में हुए आ, लेकिन इसमें जो भी उपलब्धियाँ हुई हैं वो टीम की उपलब्धिया थी मेरी खुद की कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें टीम वर्क के कारण था इसलिए मैं ये टीम बिल्डिंग बताना चाहता हूँ और आपने आज बहुत ही अच्छे वक्तव्य सुने प्रोफेसर स्वामीनाथन प्रोफेसर गिरीश मैनेजिंग चैलेंजेस के बारे में पावर ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में कंसंट्रेशन के बारे में तो आ, आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में टीम वर्क बहुत ही एसेंशियल है क्योंकि आप कहीं पर भी काम कर रहे हो तो टीम बहुत ही जरूरी होती है और टीम में आप खुद ही उसका नेतृत्व कर रहे होंगे कहीं पर भी बहुत जगह पर आप लोगों ने और आप लोगों ने भी बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की होगी तो मेरा ये ए, मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन होगा उसके बाद उसके जो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उसमें ही आपको पता चलते जाएंगे ये तो आप सबको पता है टुगेदर एवरी वन अचीव्स मोर एंड जब भी हम आप देखते हैं कि हम अपने टीम को सिलेक्ट करते हैं या खुद को भी सिलेक्ट करते हैं तो चार मेन क्वालिटीज़ बहुत एसेंशियल लगती है और वो हैं ऑनेस्टी इंटीग्रिटी सिंसेरिटी एंड टीम वर्क Uh, हम चाहते हैं कि हमारे टीम में जो मेंबर्स हैं वो ऑनेस्ट हो इंटीग्रिटी भी हो और ये सब टीम वर्क हो लेकिन वो क्वालिटीज़ हम खुद में भी होनी चाहिए देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट द अदर्स विल वर्क फॉर यू सो ऑब्वियसली इफेक्टिव टीम्स आर रिजल्ट ओरिएंटेड एंड दे विल बी कमिटेड टू प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टि एंड गोल्स सो यू हैव टू हैव हैप्पी टीम्स

वो बीमार नहीं पड़ते ज़्यादातर खुश रहते हैं और अगर बीमार भी पड़ गए तो जल्दी से दे रिकवर क्विकली बहुत जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं हैव मोर एनर्जी हाँ दे जनरेट मोर एनर्जी मीन्स जब भी आप साथ में हो खुश रहो एक एक हैप्पी टीम मेंबर है तो वो सबको खुश रखता है और दूसरों को भी ये करता है ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कुछ भी बोलो उनको कर हाँ हो जाएगा आप उनको कुछ बताओ या आप भी बोलो तो हाँ हो जाएगा मोटिवेटेड किसी ने बताया था दे वर्क बेटर विद अदर्स दे आर मोर क्रिएटिव उनको कुछ आइडिया दो सुनने के लिए तैयार रहते हैं और जल्दी भी सीखते भी हैं और डिसीशंस भी अच्छे बनाते हैं क्योंकि खुश रहते हैं तो आर पॉइंट्स सो वेन यू वॉन्ट टू गेट दिज राइट पीपल टुगेदर एंड गेटिंग टू द वर्क फॉर ए कोई भी प्रोजेक्ट हो कोई भी कार्य करना है तो उसमें इनकी मदद पड़ती है पर हमें क्या करना है डेली चैलेंजेस हैंडल करनी है रोज में हमारे काम में और ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह हम काम करें और सभी को लगता है कि समय कम है कैसे करेंगे बहुत ज़्यादा टेंशन है तो इसके लिए वर्क को आप तीन कैटेगरीज़ में क्वालीफाई कर सकते हो कहीं पर भी हो चाहे घर में हो बाहर हो कार्य क्षेत्र में हो तो तीन तरह के काम आपके पास आएंगे और उनको कैसे हैंडल करोगे और वो तीन हैं अर्जेंट इम्पॉर्टेंट और रूटीन और ज़्यादातर हम दिन में अर्जेंट वर्क पे इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि वो अर्जेंट करना ही है क्योंकि अगर बच्चे को स्कूल भेजना है तो उसको तैयार होकर भेजना ही है सो सारा या उसकी बुक कहीं रह गई है उसको करना है या कोई डेडलाइन है प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो वो करना ही है या फिर किसी बॉस ने कुछ मांगा है तो उसको उत्तर देना है वो है तो वो अर्जेंट है और काफ़ी कुछ अनफोर्सिन होता है और अर्जेंट वर्क कीप कमिंग टू यू ऑन एंड ऑफ एंड देन यू वेस्ट डू योर टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम डूइंग अर्जेंट वर्क इम्पोर्टेंट वर्क जो होता है जिसके लिए अच्छी तरह से सोच समझ के अच्छा काम करेंगे रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म होते हैं समय भी मिलता है और अच्छा भी काम करते हैं और रूटीन है जो बहुत ही रूटीन है जो हम किसी को भी और को भी दे सकते हैं लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि हम इम्पोर्टेंट वर्क करते नहीं हैं उसको छोड़ देते हैं रूटीन वर्क भी नहीं करेंगे तो वो रूटीन वर्क अर्जेंट हो जाता है फिर रूटीन वर्क में टाइम जाता है फिर समय मिलता नहीं है और फिर अर्जेंट वर्क तो बाहर से आता है अनफोर्सिन कोई ऊपर से आता है नीचे से आता है कहीं से भी आता है उसको करते हैं तो वो करते रहते उसमें समय चला जाता है और इम्पोर्टेंट वर्क के लिए समय मिलता नहीं है और इम्पोर्टेंट वर्क जब डेडलाइन आती है तो वो अर्जेंट हो जाता है फिर किसी तरह करते हैं तो इसीलिए हमारा समय ज़्यादातर इम्पोर्टेंट वर्क में जाना चाहिए अर्जेंट वर्क कम कम से कम होना चाहिए और रूटीन को डेलीगेट कर देना चाहिए जो दूसरों को जो और कर सकते हैं और उसमें बेहतर रहेगा तो इसे यू शुड बी एबल टू हैंडल योर डेली चैलेंजेस एक चीज़ मैंने बहुत सीखी कहीं जिन्हें मुझे सीनियर ने मुझे जब मैं यंग था कि स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर लाइज नॉट इन डिमांडिंग स्पेशल सर्कमस्टांसिस बट इन मास्टरिंग दोस्त दैट हैव बीन गिवन टू यू ज़्यादातर आर्म फोर्सेस में पैरामिलट्री फोर्सेस में हमारा क्या होता हम है कि हम चाहते हैं कि हमारे को ये पोस्टिंग मिलनी चाहिए ये अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए ये प्रमोशन मिलना चाहिए और तब ये मिलेगा तो मैं खुश रहूँगा और वो अगर नहीं मिली और दूसरे को मिल गई तो बस स्ट्रेस हो जाता है फिर स्ट्रेस भी होता है कि अरे उसको कैसे मिल गई ये भूल गया फिर आगे सबको बात करेंगे सबको बात करेंगे नो बड़ी कैन हेल्प यू बट दे विल एम्पथाइज़ विथ यू सिम्पेइाइज विथ यू एंड क्रिएट मोर स्ट्रेस देन यूड कम एंड टेल यूर फैमिली फैमिली भी स्ट्रेस में हो जाती है अरे इसको प्रमोशन नहीं मिला इसका ट्रांसफर नहीं मिला ये नहीं मिला और देन स्टार्ट आस्किंग तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता वे तो बेहतर है कि जो जहाँ पर हो वहाँ पर खुश रहो अच्छी तरह से काम करो उसमें और अच्छा करोगे तो और अच्छा मिलेगा सो इट डजेंट मैटर विच अपॉइंटमेंट यू आर इन विच प्लेस आर यू इन इट इज़ द परफॉर्मेंस विच मैटर्स और ये अगर ध्यान रखा जाए तो ज़्यादातर इसी में ठीक रहता है तो इसीलिए मैं कुछ दो एग्ज़म्पल्स दूंगा बस छोटे छोटे अनुभव क्योंकि उससे ज़्यादा रिलेशन होता है तो इसी तरफ जब मैं 2003 में आई वॉज सेकेंड इन कमांड ऑफ ए शिप एंड नेक्स्ट

just that is the end of your career probably you may not move ahead much appointment get the and that ship had been in service for 14 years uh, people know here and not much of achievements had been there in that ship they are doing their good job but not some great achievement. so it was a very very normal it's an auxiliary ship or other armed forces we fighting एंड में होना चाहिए फ्रंट एंड में देन ओनली यू आर देयर मीन्स देन यू आर मेकिंग इट ऑल दैट सो दिस इज द शिप विच लाइक दिस रिक्शा इट इज़ एन ऑक्सिलरी शिप इट इज अ सम्रेस्क्यू वेसिल्स इन इट इसल् डाइविंग वेसिल तो वेन आई वज टू गो इन कमांड बट आई प्रिपेयर फॉर इट बट आई सेट्स ए गुड शिप एंड लेट्स सी वॉट कम्स नथिंग थिंकिंग अबाउट इट एंड बिफोर आई टूक ओवर कमांड दिस शिप वॉज इट इज़ ओनली शिप इन द नेवी इट्स ए वेरी यूनिक शिप उसमें और इस शिप में स्पेशल इक्वमेंट हैं तरह तरह के स्पेशल डाइवर्स हैं एंड इस शिप को सिर्फ एक ही शिप है क्योंकि समरेंस जब जाते हैं ऑपरेशन के लिए तो उनको रेस्क्यू करने के लिए एक शिप की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट हो गया अंडर वाटर एंड टू रेस्क्यू पीपल आउटसाइड दिस इज द शिप विच कैन नोट बट इट हैड नॉट डन दैट एक्टिविटी बिकॉज इट उसमें जोखिम बहुत होता है और प्रयत्न कर रहे थे बहुत सारी बट लेकिन उसमें ये ना तो इस शिप को मुंबई में था और उसको जाना उसको चा, चाहते थे हेडकॉर्टर्स की बेस इट इन कोचिन और वैसे भी आप आर्मी कोई भी यूनिट है अगर आपका यूनिट मूव हो रहा है तो उसके कारण क्या होता है कि फैमिली डिस्टरबेंस होता है बहुत सारे होते हैं तो बहुत ही स्ट्रेस होते हैं तो फिर लोगों को चाहता था नहीं जाना चाहते थे सभी मुंबई में रहना चाहते थे तो ऑबियसली नो बड़ी वॉन्टेड टू गो टू कोचिन सो देर ऑज स्ट्रेस इन द शिप दैट शिप स्टिल सेंट की नहीं थी अभी आप नहीं जाना चाहते हो तो पर तीन महीने के लिए जाओ फैमिली आपकी मुंबई में रहेगी सभी को तो वो शिप वो दैट शिप वॉज सेंट टू कोचिन फॉर थ्री मंथ्स They were there, the families were in Bombay and they were under stress. They were in Cochutini, And all that said and done, uh, there was an incident. I had not taken over command uh, by, by this time, all this. But this was happening and when I had come, but I didn't know anything about this. And this happened in the month of January, they moved to Cochin. They, uh, in the month of February, March, the morale of the ship was down. क्योंकि किसी को छुट्टी नहीं मिल रही थी कमांडिंग ऑफिसर भी खुश नहीं था तो उन्होंने भी किसी को छोड़ा नहीं कहा कि नहीं हम तो काम करेंगे लेकिन थोड़ा ये करके करेंगे तो एक तभी हुआ कि मार्च में एंड मार्च में एक एयरक्राफ्ट कैरियर में एक हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा था और लैंड होने से पहले वो पानी में डिच हो गया सीकिंग हेलीकॉप्टर और ये शिप में ये, ये, ये खासियत है कि अंडर वाटर डाइविंग कर सकते हैं सैचुरेशन डाइविंग कर सकते हैं तो शिप को उधर भेजा गया वो शिप गई उधर तो थोड़ा वेदर भी ठीक नहीं था लेकिन कोशिश किया लेकिन वो सोचने कुछ नहीं एक हफ्ते दो तीन दिन बहुत प्रयत्न किया थोड़ा कुछ मिला लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए जो उस पोजिशन में था मैं स्टोरी को छोटा ही करूँगा तो वो शिप वापस आ गया और उसमें सिंस द टीम वाज नॉट सो मोटिवेटेड उनमें तो ऑपरेशनल डिफेक्ट थे शिप में पांच ऑपरेशनल डिफेक्ट थे मीन्स ऑपरेशनल डिफेक्ट ये होते हैं कि शिप उसके कारण सेल नहीं कर सकती अपना कार्य नहीं कर सकती और उनके पास डायनेमिक पोजिशन सिस्टम वो भी काम नहीं कर रहा था तो वापस आ गई और थोड़ा इतना ये हो गया था कि उस जैसे ही आते ही उन्होंने मैं मेरा अपॉइंटमेंट आ चुका था तो मुझे बोला गया कि आप जाके उस शिप को टेक ओवर करो स्ट्रेट अवे जब वापस आया वो एक असफल अटैम्प्ट के बाद तो मैं और कमांडिंग ऑफिसर जो थे उनको तो भेज दिया दूसरी जगह पे जब मैं उस शिप में गया तो, तो मैं देखा कि सभी मीन्स मोराल बहुत ही लो है कोई भी खुश नहीं है उधर और सभी तंग थे तो जब जाके उनसे पूछा कि क्या हाल है तो कहते हैं तो तीन महीने से तो किसी को छुट्टी नहीं मिली है कोई काम नहीं करना चाहता इधर और ये जाके जहाज़ ढूंढना है हमारे डिफेक्ट्स बहुत हैं कुछ काम नहीं हो सकता इधर तो मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आई आज टेम कि इसमें से कौन कौन छुट्टी जाना चाहता है तो मैंने कहा इतने लोगों को जाना है मैंने कहा ठीक है जिनको भी छुट्टी जाना है पहले सबको भेज दो छुट्टी पे तो हमारी स्ट्रेंथ अबाउट नाइन्टी नाइन थी नाइन्टी नाइन में से वोट थर्टी लोगों ने छुट्टी डाल दी और थर्टी को भेज दिया हमने तो जब हो गए तो मैंने उन जो एच ओ डी था उनको बोला कि चलो अभी बाकी लोगों के साथ हम काम कर सकते हैं है। उन्होंने कहा हम करेंगे जरूर करेंगे अभी ये तो चले गए जो करना था तो तो हमने एक दिन में जाकर कमांडर इन चीफ को बताया कि नहीं सर अभी हम जाते हैं ऑपरेशन के लिए तो मैंने इनको बताया कि ये ऑपरेशन है हमें अपॉर्चुनिटी तो मिली है कि एक जहाज़ डूब गया है और उसको हम तो वो सत्तर मीटर डेप्थ पे डूबा था उसको निकालना है और कोशिश करेंगे आज ने पहले भी कुछ किए थे लेकिन इतने बड़े ये, ये हासिल नहीं किया था तो गए तो हम कोशिश कर रहे थे वो एक दो दिन में डिफेक्ट्स रेक्टिफाई करें लोगों को बुलाया काम करने की कोशिश की लेकिन वो डिफेक्ट्स रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे थे और समय हो रहा था जितने आ, समुद्र में आ, अगर एक हेलीकॉप्टर डिब गया और भी सत्तर मीटर पे तो जैसे हमने नीडल इन हेस्टैक ढूंढ रहे हैं और वो ज़्यादा अभी हिल गया तो मिलेगा नहीं तो समय भी कम था तो फिर मैंने अपने टीम से बोला कि ये हमारी अपॉर्चुनिटी है लेट्स ट्राई एंड डू इट सो दे सेड चलो सर विल विल डू डू इट इट ट्राई एंड एंड सो आई वेंट टोल्ड द कमांडर इन चीफ हम कर सकते हैं तो उधर जनरली uh, लोग आए एडवाइस करने के लिए ऐसा करो वैसा करो तो कह ठीक है डू बेस्ट देन आई वॉज टोल्ड बाई दी टाइम आई वज कमांडर rank commanding officer and the CNC of course vice Admiral he told me whatever help you want you take he said okay then uh, one of the uh, uh, rear admirals came and told me I'm sending another commander to your ship he will guide you on this uh, on this so uh, who's in diving specialist so I like a ship diving officer already here joby specialist तो मैं दूसरों को नहीं ले जाना चाहता तो कहते हैं नहीं नहीं आप तो इसको ले जाओ अपने साथ में मैंने कहा नहीं जो टीम है मैं उनसे ही काम कराऊंगा और मुझे उन पर पूरा भरोसा है तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम जो ज़्यादा समझ रहे हो अपने आप को क्यों तो लेके जाओ मैंने कहा नहीं जो मेरी टीम है उनसे वो काम करेंगे अगर बाहर से लेने की क्या जरूरत है तो मैंने नहीं माना नहीं उनकी बात तो भेज अंदर तो वापस आया तो मैंने अपने ड्राइविंग ऑफिसर को बताया कि मुझे रिकमेंड कर रहे थे कि किसी और को लेके जाओ तो मैंने तो मना कर दिया है अभी इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू नो बेटर देन मी इन दिस जॉब एंड सर आई विल डू इट एंड सो वी एट दिस फाइव डिफेक्ट्स वी सेल्ड आउट विद दैट डिफेक्ट्स एंड वो टीम तभी जब हम सेल कर रहे थे तभी भी एक और आदमी ने छुट्टी मांगी होने का उसको भी भेज दिया बाहर जाओ खुशी से तो जब गए तो जितने लोग थे उन्होंने अपना काम बड़ी इसे उमंग और उत्साह से किया और जाते जाते एक डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम जो बाहर के ओ रिपेयर नहीं कर सके थे उन्होंने खुद रिपेयर कर दिया और वो वर्क करने लग गया जब हम पहुँचे आगे उधर फिर ढूंढना शुरू किया इट वॉज़ ए वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन वेयर यू लोअर ए बेल एट सेवेंटी मीटर्स एंड सेवेंटी मीटर्स में डाइविंग नॉर्मली नहीं कर सकते तो उसके लिए वो सैचुरेशन करते हैं उनको एक चैम्बर में रखा जाता है डाइवर्स को एंड दे आर कॉम्प्रेस टू सेवेंटी मीटर्स एंड देन दे आर गिविंग गिवन ही एंड ऑक्सीजन मिक्सचर एंड देन दे गो आउट ऑफ दी चैम्बर फिर दस मीटर आगे चल सकते हैं और समय के लिए फिर वो देखते हैं उधर विजिबिलिटी भी ठीक नहीं रहती है लेकिन उधर से बाहर निकल के देखेंगे चल के पानी में फिर जो कुछ भी मिलेगा देखेंगे फिर उनको वापस बेल में लाओ फिर हम 20 मीटर आगे जाएं फिर 10 मीटर चेक करो और ऐसे कर कर के तो ऐसे हम दो दिन करते रहे लेकिन कुछ मिला नहीं हमें तो नहीं इसी समय ये होता है कि कुछ डिवाइन इंटरवेशन होती है या होता है तो हम सारे तरफ कर रहे थे तो मुझे वो सब चेक करने के बाद मैंने बोला नहीं ये डायरेक्शन ठीक नहीं है हम उस दूसरी डायरेक्शन में चलते हैं और थोड़ा विंड वेव्स जो भी एक्सपीरियंस था उसके बाद देखा और उस दिन फिर शाम को हम उस तरफ गए तो अराउंड तो पाँच छः बजे हमने देखा वो हेलीकॉप्टर हमको मिल गया और हेलीकॉप्टर पूरा था कंप्लीट हेलीकॉप्टर वाज देयर इन दैट प्लेस एंड इट वाज ऑन द लेफ्ट साइड एंड देन मार्क दैट पोजीशन स्ट्रेट अवे एंड जैसे ही वो मिला तो मोटिवेशन लेवल हाई हो गया सब खुश हो गए और शिप को उधर एंग पोजिशन कर दिया एंड फिर हमने फिर हेडकोार्टर्स को बताया कि हम उसको सैलवेज करना चाहते हैं तो पहले उधर से इंस्ट्रक्शन आई थी मुझे कि कुछ भी मिलेगा तो आप फोटो लेके वीडियो लेके हमको भेजो फिर हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे अभी ये वेन यू आर ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड इफ़ यू डोंट टेक एक्शन क्विकली एंड यू वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस तो फिर आ, समय निकल जाता है तो हमने उनको बोल दिया आई इंटेंट डूइंग इट कर रहे हैं हम आप फिर अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलो तो हमने नेक्स्ट डे सुबह ऑपरेशन शुरू कर दिया और उधर पॉइजनस स्नैक्स थे वो डाइवर्स ने सात आठ सात घंटे डाइविंग की कंटिन्यूस और करके उसको हेलीकॉप्टर को कनेक्ट किया और हमने वो हेलीकॉप्टर लिफ्ट कर दिया इस तरह से ये अभी दिख रहा है पानी से निकल रहा है वो तो, तो ये उस टीम का कमाल था और उसके बाद ये इस तरह ये हेलीकॉप्टर इधर आ गया ये हेलीकॉप्टर वैप्ट ऑन द शिप और ये शिप ये टीम थी उस समय जिन्होंने किया और ऐसे लग रहा है वो हेलीकॉप्टर उस पर लैंड हो गया है एक्चुअली अगर आपको लग रहा है तो सो नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द हेलीकॉप्टर वॉज रिकवर्ड बाई दैट शिप एट दैट पर्टिकुलर टाइम एंड इट वॉज द सेम टीम विच एड फेल्ड सम टाइम बैक And we came back. We got uh, the two divers got Nosena Medal, gallantry. Some eleven people got commendations, and others. So that They were very happy. The, uh, the team was very good. Actually, I would say I didn't know much about the specialization, but uh, I just integrated with the team, and they did a great job. And they kept doing. Uh, then this ship. Uh, इतना इतनी खुशी बेसिकली इसमें यह था कि इनको ठीक से बात करने से इनको ये करने से वो आइडियाज़ देते रहते थे और अपने अपने नए आइडियाज देते थे तो इस शिप ने फिर जो मेन कार्य था इनका कि समरीन रेस्क्यू एसल दैट मीन्स एक समरिन में एक बेल को कनेक्ट करके अंडर वाटर एट 50 टू 100 मीटर्स उसमें से अगर समरिन में कोई इमरजेंसी हो जाए तो समरिन से आदमी को सही सलामत निकालना ये कार्य था पर ये कोशिश बहुत की थी लेकिन पूरी तरह से सफलता लाइव ट्रांसफ़र नहीं हुआ था दैट मीनस कनेक्ट कर लेते थे समरिन के साथ लेकिन वो हैच खोलना नहीं हो रहा था क्योंकि हैच एक बार खोल दिया क्योंकि पानी में ऐसे होता है कि हम अभी फर्स्ट वन एटमॉस्फेयर पे हैं जब 10 मीटर नीचे जाते हैं तो वन एटमोसफेयर इंक्रीज हो जाता है प्रेशर प्रेजर ट्वेंटी मीटर्स पे टू एटमोसफेयर हो जाता है थर्टी पे अनदर वन एटमोसफेयर सो एट फिफ्टी मीटर्स इट इज़ फाइव एटमोसफेयर प्रेशर सो देयर यू कैन नॉट सर्वाइव बाई अगर पानी में निकल गए बाई चांस तो यू डाई बिकॉज यू आर ईयर्स विल बर्स्ट समस्ट सो सो ओपनिंग दैट हैच वॉज द मेन इशू सो वी प्रैक्टिस विद द सेम शिप इन द फ्यू वंस एंड आई लेट सेटस्ट ट्राई दिस एंड देर ऑल नंग गो गॉट थिंग्स रिपेयर एक बेल थी जो पैंतीस साल पुरानी थी जिसको ऑपरेट नहीं किया था रशियन बेल थी उसको हमने ऑपरेशन किया वो सब करवा के हमने कहा कि ये कोशिश करेंगे और सात आठ महीने बाद फिर हमने उसकी कोशिश की और फिर उसके बाद ये जब लाइव ट्रांसफ़र था एक आपको दिख रही है निरीक्षक और समरिन एंड इन उन्होंने हमने वो पचास मीटर से पहली बार इस टीम ने लाइव ट्रांसफ़र किया उस समय एंड दैट ट्रू दमरिन रेस्क्यू कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन नेवी एट दैट टाइम सो देन दैन समय देर हैप्पी दैट अगर कुछ ये हो जाएगी तो वी विल बी टू सो एंड दिस ब्यूटू डन विद टू समली सो दैट ऐसे नहीं कि तुक्का लग गया पहली बार एक से हो गया दूसरा तो दो से किया तो ये हो गया तो मेरे कहने का यही मतलब था कि टीम वर्क बहुत एसेंशियल है कैपेबिलिटीज रहती है आर्म फोर्सेस में you normally can't select your teams because but if you can select good but if you can't select it's always the same so i think uh, these are the points i think uh, which you all know i'll just uh, you can read them effective team is it? Haan ji. Haan ji. They took out. Hmm. Hmm. that's right बाढ़ सकते सही बात है नहीं बहुत जरूरी है अपने टीम पे भरोसा रखो यही बस यही मैं बताऊँ और ये पॉइंट्स हैं आई थिंक इफ यू आर यू हैव एन ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन विद योर टीम यू विल डू वेल एंड कंसेंसस से डिसीजन लो कुछ भी पूछो तो सही क्रिएटिव थिंकिंग ये सब है सेट गोल्स फोकस्ड ऑन इशूज डिफाइन रोल्स ये ठीक है तो बट इसमें टीम लीडर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक दैट वी मस्ट डू वेरी क्लियरली आई जस्ट क्विकली रन थ्रू इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट दट टीम मिड लाइन्स यू कैन रीड इट योर सेल्फ ऐसे सब तो चेकलिस्ट है अब ये को कहीं भी मिल जाएगी आपको तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ और इसके बाद मैं एक और इंसिडेंट बताना मीन्स अनुभव बताना चाहूँगा जैसे फिर हम और क्विकली आई टेल यू अबाउट दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कि ये सो 2022 है जो जब मैं वाइस चीफ था उस समय हमें ये मौका मिला हमारे पास अभी आप सब हम आर्म फोर्सेस में हैं पैरामिलट्री फोर्सेस में हैं हम ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि ब्यूरोसी ऐसी है ये ये अप्रूवल नहीं मिलता ये नहीं मिलता हम कुछ मांगते हैं तो नहीं होता हाँ काफ़ी चीज़ें नहीं हो रही हैं ये नहीं हो रही हैं लेकिन ज़्यादातर हमें ये होना देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं हम जिस पोजीशन पे हैं हम कैसे कर सकते हैं चाहे कैसा भी माहौल हो किस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो इसमें ये था कि इंडजनाइजेशन या आत्मनिर्भरता पे तो बहुत ज़ोर दिया जा रहा है और उसमें चाहिए कि हमें आ, हमने प्रगति करनी है हम चाहते हैं कि बाहर से खरीदें लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए कि हम अपनी अपना इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छा काम करें तो इसलिए हमने पिछले साल 2022 में अगेन मेरी हमारी टीम थी उन्होंने कहा कि हम आगे कुछ इनोवेशन करेंगे नेवी के लिए और जो जल्दी करेंगे क्योंकि नहीं तो ज़्यादातर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं तो हमको बाहर से खरीदने पड़ती हैं चीज़ें तो इसके लिए तो हमारी टीम ने बताया कि क्योंकि अगर कुछ करना है तो कुछ डिफरेंटली करना पड़ेगा नॉर्मल रूटीन वे से करते रहो तो फिर समय लगेगा तो इसलिए इस यही सोचा तो ये टीम ने भी बताया कि और ये एक हमारा सेमिनार हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे उन्होंने हम सेवेंटी चैलेंजेस लॉन्च किए जिससे कि एक साल में नई टेक्नोलॉजीज़ नेवी में इंडक्ट की जाए तो उसका कार्य हमने शुरू किया लेकिन हमने एक अच्छी सी टीम सिलेक्ट की और बताया उनको कि शुरू करो तो पहले ही हमने सोचा कि ये एक थिंक डू थिंग्स डिफरेंटली नॉर्मल रूट से नहीं चलेगा कि प्रोसीजर लेंगे फाइल मूव करेंगे उसके लिए टाइम लगेगा फिर उसका अप्रूवल आएगा फिर तो पहले जाके हमने ये डिफेंस सेक्रेटरी को समझाया कि ऐसे ऐसे करेंगे तो वो भी बहुत खुशी दैट वी डू एंड वी सेड वी शुड डू स्प्रिंट वी शेड सपोर्टिंग पोल वोल्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू इन्ोवेशन एंड आई डेक्स हमारे एक नेवल इन्ोवेशन एंड इंडेशन ऑर्गनाइजेशन है और एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एक्सलेशन सेल है उसके साथ मिला के सो so उसका एक छोटा फुल शॉर्ट फॉर्म बना दिया स्प्रिंट और उसके बाद वी वॉन्टेड टू प्रमोट इनोवेशन इसमें ये मैंने आपको बताया है और फिर हमने ये किया कि ये सब कोलैबोरेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड से होगा तो जल्दी होगा तो हमने अपने आईआईटी में एक ऑफ़िस सेटअप किया और अकैडमिया को इन्वॉल्व किया प्राइवेट इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया और उनको बोला कि ये नए नए टेक्नोलॉजीज़ हैं वी वॉन्ट टू इंडक्ट एंड लेट्स वर्क टुगेदर स्प्रेड किया पूरे देश में तो हमने बोला था सेवेंटी चैलेंजेस करेंगे तो हमें ग्यारह प्रपोजल्स मिले इंडियन इंडस्ट्री से सो so इतनी हमारी क्षमता है देश की और उसके बाद हमने कहा कि सोल्यूशन निकालेंगे तो ग्यारह में से उनको एक एक प्रपोजल को चेक करने के लिए समय लगता है तो हमने वो दस दिन के लिए ऑफिस सेट किया और कुछ लेफ्टिनेंट कमांडर्स कमांडर्स को बिठाया और उन्होंने उनको पार दिया कि आप चेक करो और सही डायरेक्शन में कर रहे हो तो करो तो उन्होंने उसमें से 330 प्रपोजल्स सिलेक्ट किए एंड इट वाज ऑन टॉप डाउन एंड बॉटम अप दैट मीन्स जो नीचे वाले यंग एंड एनर्जेटिक ऑफिसर्स थे उन्होंने भी उनको भी उत्तरदायित्व दिया कि आप भी डिसीजन ले सकते हो इट इज़ नॉट दैट साहब डिसीजन मेरे पास ही आएंगे आप ले सकते हो लेकिन सही कर रहे हो तो सिर्फ हमें चेक करते रहोगे बताओगे और हम क्लियर uh, करते रहेंगे और वो उसके लिए लिख में लिख के नहीं चाहिए फ़ोन पे करेंगे या व्हाट्सएप भी करेंगे तो भी चलेगा और उसके कारण काफ़ी इंफॉम्ड डिसीशन मेकिंग हुई और फिर आउटरीच भी किया आ, पार्टनर इनक्यूबेटर्स बनाए इंडस्ट्री को पार्टनर्स बनाया और वो उन्होंने भी बताया कि हम भी कर सकते हैं तो उसमें से हमने फिर 130 विनर्स सिलेक्ट किया और 130 से जो पिछले जुलाई में शुरू किया था और अभी मैं बता सकता हूँ कि इस समय 110 कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं और उसमें से हर तीन दिन में एक नया इनोवेशन हुआ और हर एक महीने में एक गेम चेंजर इनोवेशन हुआ और ये अभी हम चार अक्टूबर को इसका फिर से प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट करने वाले हैं तो अगेन आई वांट टू से कि जितना भी इनक्रेजमेंट मिलेगा और इससे अभी बाहर के देशों में भी हम ये टेक्नोलॉजी भेजने वाले हैं बिकॉज हमें ऑलमोस्ट दस से बारह गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजीज मिली हैं और ये सब इंडस्ट्री और हमारे यंग ऑफिसर्स ने किया है तो ये जस्ट एग्जाम्पल था आपको बताने के लिए सो टीम वर्क एक्चुअली विल मेक द ड्रीम वर्क आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में तो बताया हुआ है स्वामीनाथन uh, ने सो आई जस्ट वॉन्टेड लिस्ट ऑफ थिंग्स विच इमोशनल इंटेलिजेंस एवरीबडी शुड डेवलप इन हिम वेर एवर यू आर आई थिंक दीज आर फ्यू पॉइंट जस्ट था आर

सुख स्वरूप ज्ञान स्वरूप पवित्र संतुष्ट और सर्वशक्तिमान आत्मा हो और ये आप अपने को बार बार दोहराते रहिए सुबह उठ के दोहराइए तो बोलते रहिए और आप में ये आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और ये मैंने भी ऐसे ही इधर ही राजयोग सीख के सीखा और फिर कुछ सालों से मैं सुबह उठता हूँ तो मैं सबसे पहले ये दौलत दोहराता हूँ मैं एक शांत स्वरूप आनंद स्वरूप सुख स्वरूप पवित्र संतुष्ट और सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ और बहुत ऊर्जा मिलती है कुछ भी कार्य करने के लिए जाता हूँ तो यही बताता हूँ तो ये जब मैंने अपने दिनचर्या में जागू कर दिया तो कुछ भी डिसीशन लेने में आसानी हो जाती है सब हो जाता है तो स्ट्रेंथन योर थ्रू राजयोग मेडिटेशन योगा या रेगुलर एक्सरसाइज़ ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अगर आपने अपने दिनचर्या में शामिल कर लिया तो कितने भी व्यस्त हो वो काम बहुत आसान हो जाता है और जिस दिन ज़्यादा व्यस्त हो ना और जिस दिन ज़्यादा काम हो तो ये उस दिन तो जरूरी करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उस दिन अगर ये कर लिया तो जो भी काम है वो और आसान हो जाएगा जिस दिन समय होता है तो बोलते हैं कि आज चलते हैं लेकिन जिस दिन लगता है कि काम बढ़ गया या ऑफिस से ज़्यादा काम आ गया या घर में ज़्यादा काम है तो सबसे पहले बोलते हैं एक्सरसाइज बंद योगा बंद मेडिटेशन बंद क्योंकि मुझे काम करना है मुझे काम करना है बस तो सब छोड़ देते हैं बस उस दिन तो ये ज़रूरी करना है ये आप लोग अपने सोच लो और अगर उस दिन आपने किया उस दिन अगर रोज आधा घंटा करते हो तो उस दिन एक घंटा करो और वो एक घंटा करोगे तो बाकी ये जो सोलह घंटे आप ये हो अपना काम इतना तेज़ी से होगा कि सारा काम निपटा लोगे सारे प्रॉब्लम सर हो जाएंगे तो ये बहुत जरूरी है और ये मैंने आ, सभी मेरे अपॉइंटमेंट्स में किया और उसके कारण मुझे बहुत बहुत ही फ़ायदा हुआ वाइस चीफ का काम तो कभी ऐसे होता था कि 16-16 घंटे काम करना पड़ता था लेकिन कभी मैंने अमृतवेला और मेडिटेशन और मुरली और योगा मिस नहीं किया और उसके कारण कभी पंद्रह मिनट किया बीस मिनट किया वर्क किया जरूर और आपको प्रोफेसर स्वामीनाथन ने क्या टेन सेकेंड्स का मेडिटेशन कर सकते हो और बहुत ज़रूरी और ये मैंने अपनी टीम को भी सिखाया जब, तो एक तो जब मैं निरीक्षक में था तो उस टीम को मैंने लाफ्टर योगा ज़्यादा करवाया तो वो बहुत खुश रहते थे और उसके कारण और आइडियाज़ मिलती थी इधर तो मैंने राजयोगा मेडिटेशन अपने टीम को सिखाया ऑफिस पिछले साल हमारा इधर प्रोग्राम हुआ था तो हमें ऑफिस से सिक्सटी लोगों को लेके आया था इधर <laughs> तो उसमें सभी सीख गए थे तो उनको भी उनकी भी आरचा हो गई थी हमारे स्टाफ में सभी ने मेडिटेशन किया है जो सीखना चाहते हैं वो सीख लेते हैं जो नहीं सीखते हैं वो ठीक है पर लेकिन उनकी उन वायुमंडल बहुत अच्छा हो जाता है और उनके विचार भी अच्छे रहते हैं वो भी आपके साथ ये ठीक करते हैं और एक बात है कि रात को सोने से पहले एन योर लाइंग डाउन इन बेड टेल योर सेल्फ ऑल दिस पॉजिटिव थिंग्स की बहुत अच्छा हुआ आज के दिन मैंने जो जो किया है आज किया और कल का दिन और अच्छा होगा और उस तरह और जो भी है प्रॉब्लम्स छोड़ दो उसके बाद नींद भी अच्छी आती है इट वर्क्स ऑन एयर सबकॉन्शियस माइंड एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब सुबह उठो तो बहुत सोल्यूशनस निकल आते हैं और बहुत सारे उपाय भी आ जाते हैं तो उनको भी आ, आप देख सकते हो तो Uh, बहुत जगह पर आप अप्लाई कर सकते हो सुबह उठते ही बेड पे उठने से पहले सबको बताओ कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा थैंक यू गॉड थैंक यू आई एम लाइव आई डन एवरी थिंग आई एल बी एबल टू हैंडल एवरीथिंग जो भी है मैं आई एम हैप्पीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड आई एम द हेल्थीएस्ट पर्सन इन वर्ल्ड आई एम फाइन एवरीथिंग आई एल बी एबल टू हैंडल नो प्रॉब्लम्स सब कुछ होगा एंड देन Once you start thinking that solutions keep coming, there will be many many situations, but you will be able to handle them. And uh, especially, I was telling my uh, I was in uh, Eastern Naval Command, Chief of Staff. There were lots of road accidents, and there are there. organisations are, there are too many road accidents. You are losing more people in road accidents than in war, than in internal disturbances, drone and terrorist attacks, because Somebody driving, somebody is angry. So uh, I started telling each one of them that before you start driving, or uh, firstly, uh, wait for a few seconds. Just think. Kitna bhi late or but 10 seconds ruk or so ki safely joonga. bhi ho jayega, safe And generally, the uh, accidents reduced, and that's why. And we had nil uh, fatalities. Something still happened. सिमिलरली शिप में या कहीं पर भी हो या आर्मी में या फोर्स में देर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ यू डू विच आर सो मीन इन ऑल ऑफ योर दिस विच आर रिस्क प्रोन देट मीन्स देर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स हैपनिंग एंड इसलिए हमारे यहाँ हमेशा ब्रीफिंग होती है और डी ब्रीफ भी होता है ज़्यादातर ब्रीफिंग तो बहुत अच्छी होती है पर डी ब्रीफ नहीं होता है क्योंकि अच्छा हो गया तो चले जाते हैं और अगर एक्सीडेंट हो गया तो इतना डीब्रीफ होता है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और ये सब हो जाता है तो बेस्ट इज टू हैव ए ब्रीफिंग एंड डी ब्रीफिंग बट उसमें एक वन मिनट का बहुत इम्पोर्टेंस है लाइक आई थाट फर्स्टली इफ यू का डूइंग राज योगा यू विल बी इन ए मेडिटेटिव मूड ऑल द टाइम जैसे गिरीश भाई बता रहे थे आपको स्वामीनाथन बता रहे थे कि वन यू स्टार्ट डूइंग दिस यू आर डूइंग योर जॉब बट योर माइंड इज़ ऑलवेज थिंकिंग or in a peaceful manner and you're not getting agitated or you will be relaxed you will not be react, uh, reacting to situations you will be responding and you will always be thinking ki how i can handle this situation so that becomes very important uh, Brahma Kumaris have got a traffic control app If you download the app store and there's or bk traffic control app so every one hour और वन एंड हाफ आर इट प्लेज वन मिनट म्यूज़िक एंड इट जस्ट टेल्स यू दैट आप पीसफुल रहो मीन्स बेसिकली इट्स इट गिवज रनस ए सॉन्ग बिच यू कैन डाउनलोड ऑन यर एप एंड सो आप दिन में सोलह घंटे जागते हो सोलह घंटे में से भी अगर डेढ़ घंटे में एक बार हो या हो तो दस बारह घंटे के लिए ये होता है तो एक मिनट पर आर दिस ऐप प्लेज म्यूज़िक एंड रिमाइंड यू दैट आई एम पीसफुल आई एम फाइन आई कैन हैंडल एवरीथिंग And you can do one minute per hour. So twelve minutes in a day you can easily take out. And this, if you do, you will be able to handle. It just gives you an indication. Either to ki traffic control, is closed, is in the organization. They sit down, they leave everything and remember that you are a peaceful soul and listen to that beautiful song This one minute pause.

इन एवरी सिचुएशन एंड एक मिनट ज़्यादा नहीं होता और आपको तो अभी बताया है दस सेकेंड मेडिटेशन करने से मन स्थिर हो जाता है तो ये तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो लाइफ में सो इन एडिशन ये मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन के लिए विन्स वॉट आई लर्न टूस इन ए नॉर्मल पर्सन वेन यू आर नाउ सिटिंग एंड यू आर नो स्ट्रेस नथिंग बट यूल है थर्टी टू फोर्टी थाट्स

so it will reach reach seven to eight thoughts per minute, and that is a good meditative mood. You don't never need a blank. And ये करते हो तो अगर कोई अच्छी meeting के लिए जा रहे हो पहले ही सोचना चाहो कि आज की meeting अच्छी होगी है मैंने तैयारी कर रखी है I'll be able to handle it. And start sending vibrations also to the person who is there. He so he'll also understand what I say. There's effect in that also. Or when you're you're peaceful, the other person also becomes peaceful. Even if your boss is agitated and is shouting at you, if you remain peaceful and talk and nicely, he'll also come down in this way. Similarly, your junior. So this always helps. So, like I must tell you that you get good ideas, like this was one of the good ideas. This is INS Vikrant ka commissioning uh, day.

was commissioned last year and then this has become a very very important picture in the calendars everywhere so just an example that good thoughts come to you by meditation thank you i have finished uh, i thought this is enough or we have a lunch case so maybe yeah. thank you very much ओम शांति ओम शांति ओम शांति थैंक यू सो मच वाइस एडमिरल बोरमोड़े जी आपने हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ इंस्टीट्यूशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में आपको राज योगा मेडिटेशन ने कैसे हेल्प किया कैसे आपने इन चैलेंजेस को हैंडल किया उसके बारे में बताया हैप्पी टीम हैप्पी पीपल टीम वर्क इमोशनल इंटेलिजेंस और कैसे अपने काम को प्रायोरिटाइज करने से हम अपने चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं और आपने ये भी बताया कि अगर कोई समस्या आती है तो उसको भागना नहीं है उसको डिफरेंटली हैंडल करना एंड आलवेज बी विकम ए पार्ट ऑफ़ दि सोल्यूशन एंड नॉट दी प्रॉब्लम सो दिस वे वी कैन हैंडल एंड वी शुड ऑलवेज रिम्बर अवर आत्मा की जो आंतरिक शक्तियाँ हैं आंतरिक गुण हैं उनको हमेशा जहन में रखना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है पॉजिटिव संकल्प करने हैं इससे हमारी शक्तियाँ भी बढ़ती हैं इससे हमें सफलता भी मिलती है फिर अब आपने हमें बताया कि ट्रैफिक कंट्रोल का हमारे जीवन में क्या महत्व है जो ब्रह्मा कुमारी में हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं और भाई साहब ने हमें यह भी बताया कि वी शुड ऑलवेज स्टे इन ए मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड उससे क्या है उससे भी हमें बहुत सारी शक्ति बहुत सारी ऊर्जा बहुत सारी एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी जो हम लेते हैं परमपिता परमात्मा से ज सीनियर से बड़ों से ये एनर्जी हम एक दूसरे के साथ हमें शेयर करनी है ब्रह्मा कुमारी में दृष्टि का बड़ा महत्व है दृष्टि का मतलब हम एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं हम सभी एक सुपर पावर से सुपर हाउस से एनर्जी लेते हैं फिर हम एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ सो ऑलवेज रिमेन इन ए मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड थैंक यू सो मच यू हैव बिन वेरी गुड लिसनर वेरी वाइब्रेंट ऑडियंस थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू अच्छा हाँ जी और एक सूचना है कि नेक्स्ट सेशन जो है वो साढ़े चार बजे होगा हारमोनी इन रिलेशनशिप टॉपिक रहेगा और दीपा दीदी उस सेशन को लेंगी थैंक यू सो मच और अभी एक अभी आप बैठे रहेंगे और एक मिनट का मेडिटेशन म्यूजिक चलेगा उसके बाद हम सभी भोजन के लिए चलेंगे मात्मा परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्ञा शिव ज्योति में है सारी शक्ति शिव ज्योति में है सारी शक्ति दिव्य गुणों से बने हम मोती दिव्य गुणों से बने हम मोती क्यों बन सकेंगे